दोस्तों, ये एक पुरानी पेंट है और इस पुरानी पेंट की अपने को मोरी कम करनी है। इसकी मोरी है अभी 16 इंच, अपने को इसकी मोरी करनी है 13 इंच। तो 16 को 13 में कैसे करें और ये क्रीज जैसी है वैसी की वैसी रहे, इसके लिए अपन ये वीडियो बना रहे हैं। तो आइए देखिए ये 16 को अपन 13 कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अपन इसकी ये मोरी जो है यहाँ से तुरपाई खोल देंगे सारी इस तरह से, और उसके बाद इस पेंट को उल्टी करेंगे। दोस्तों, मैंने ये पेंट उल्टी कर ली है और ये जो तुरपाई है वो भी खोल दी है मैंने। अब इसको इस तरह से कर लेंगे और यहाँ से करने के बाद आप ये जो सिलाई है जो चीरम कर रखी है, ये जो चीरम कर रखी है, इस चीरम को आप बिल्कुल सीधी कर दीजिए। सीधी करने के लिए आपको प्रेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा और आप प्रेस से इसको सारी को सीधा कर दीजिए। ये दोनों तरफ आप सीधी करनी है, इधर से भी आपको चिरम जो है ये भी सीधी करनी है। तो आपको तो दोस्तों ये ठेठ पॉकेट तक आपको सीधी करनी है। तो दोस्तों ये मोरी मैंने प्रेस से सही कर दी है बिल्कुल दोनों तरफ से, इधर से भी कर दी है। और ये जो मुड़ा हुआ है ये बड़ा हुआ है बेक। अब देखिए आपकी ये जो निशान लगा है ये क्रीज का निशान है, जो प्रेस का निशान था वो निशान है। और यहाँ से अपने को 3 इंच कम करनी है, यानी कि जो 16 थी उसको अपने को 13 इंच करनी है मोरी। तो अपन यहाँ लिख देते हैं 13 इंच। तो 1.5 इंच अपन इधर से कम करेंगे और 1.5 इंच अपन इधर से कम करेंगे। ये जो सिलाई लगी है इस सिलाई से अपन 1.5 इंच कम करेंगे। तो 1.5 इंच के लिए मतलब यानी कि 1.25 इंच इधर से कम करेंगे और 1.25 इंच इधर से कम करेंगे। ठीक है, 1.25 इंच ये अगड़ा कम हो जाएगा और 1.25 इंच ये बेक कम हो जाएगी। इस तरह से पौन ये 1.5 इंच हो जाएगा। इस तरफ भी जो है पौन ये होगा और पौन ये होगा, इस तरह से ये 1.5 इंच हो जाएगा। तो अपने पास 3 इंच कम हो जाएगा, 1.5 इंच इधर से चला जाएगा, 1.5 इंच इधर से। तो देखिए ये 1.25 इंच पे अपन निशान लगा देते हैं, ये 1.25 इंच पे निशान लगा दिया, सॉरी ये 1.25 इंच है और इस 1.25 इंच पे अपन ने ये निशान लगा दिया। ये इधर भी ये जो सिलाई है ये जो सिलाई है ये इस सिलाई के यहाँ से अपन 1.25 इंच पर निशान लगा दिए। ये आधा इंच और ये 1.25 इंच, ये 1.25 इंच पर निशान लगा। तो इस तरह से पौन और पौन पौन अगड़ा हो जाएगा और पौन बेग हो जाएगी। इस तरह से 1.5 इंच इधर कम हो जाएगा और 1.5 इंच इधर कम हो जाएगा। अब यहाँ अपन यहाँ से मिलाएंगे इसको, ये इस जगह से अपन स्केल रखेंगे और यहाँ से इस तरह से स्केल रखते हुए अपन यहाँ मोरी, ये जो मोरी पे निशान लगाया अपनों ने इस जगह इस तरह से रखेंगे। यहाँ स्केल रखेंगे अपन, ये जो सिलाई है, ये जो सिलाई है इस सिलाई के यहाँ पर अपन स्केल रखेंगे इस तरह से। तो ये अपन यहाँ ऐसे सिलाई से मिलाते हुए इसको निशान को लगाएं और यहाँ अपन जो मोरी में निशान लगाया है इसको मिलाते हुए निशान। ये दोस्तों यहाँ मिलाएंगे अपन इस तरह से, ये पॉकेट आ गई है आगे। इसी तरह से अपन यहाँ वो साइड का निशान था और ये वाला ने जो निशान है ये अंडर लेंथ वाला निशान है, अंदर की तरफ का है, रांग की तरफ का निशान है। ठीक है, ये यहाँ फ्लाई लगी हुई है देखिए आप, ये और ये यहाँ से अपन अब निशान लगाएंगे उसी तरह से स्केल से निशान लगाएंगे। ये भी अपन यहाँ सिलाई
कि यहीं से शुरू करेंगे, जो सिलाई लगी हुई है ये इसके यहाँ से शुरू करेंगे और ये इस तरह से अपन निशान लगाएंगे इस तरह। दोस्तों ये जो निशान लगाया है इसी के ऊपर अपने को सिलाई लगानी है और ये सिलाई लगाते हुए अपने को इस सिलाई के यहाँ जहाँ निशान लगाया है यहाँ मिला देनी है। इसी तरह से इधर भी अपने को इसी तरह से ये निशान यहाँ से शुरू करना है और यहाँ तक सीधा सीधा मोरी के यहाँ ला के लगा मिलाना है। तो अब अपन सिलाई करते हैं। दोस्तों ये जो अपनों ने निशान लगाए हैं ये साइड और ये साइड में, अब यहाँ से अपन वापिस ये जो पॉकेट की तरफ का है, ये पॉकेट की तरफ का है हिस्सा और ये जिस पे अपन निशान लगाए ये अगाड़ा अपन इस अगाड़े की तरफ रख देंगे इसके ऊपर ऐसे। ये इस पे निशान नहीं लगे हुए हैं और इस पे निशान लगे हुए हैं तो ये निशान वाले को अपन ऊपर रखेंगे और ऐसे मिला देंगे इसको, इसकी सिलाई से सिलाई मिला के। ये सिलाई से सिलाई मिला देंगे अपन और ये जो निशान लगे हैं अपनों ने स्केल से लगाए, इन निशान को अपन ऐसे उठाएंगे वापस। ये दोनों तरफ उठा सकते हैं साथ में चाहे तो आप, क्योंकि ये अपनों ने मिला लिया है। ये इस तरह से करते जाइए आप और ऐसे निशान उठाते जाइए। इससे क्या होगा कि आपकी दोनों मोरी जो है बराबर बराबर निशान लग चुके होंगे और इन्हीं निशानों के ऊपर आपको सिलाई करनी है। तो दोस्तों ये निशान लग चुके हैं और अब हम सिलाई करेंगे अब इसके ऊपर। तो दोस्तों ये जो निशान लगा रखे हैं इसके ऊपर अपने को अब सिलाई कर देनी है, ठीक है। दोस्तों ये जो सिलाई लगी है इस सिलाई के ऊपर से अपन सिलाई शुरू करेंगे यहाँ पक्का करके। और ये चौक के निशान के ऊपर ऊपर अपन सिलाई लगाते रहेंगे। सिलाई करेंगे दोस्तों। ये दूसरी मोरी है, दोस्तों ये दोनों मोरी में सिलाई लग चुकी है। अब आपको ये सिलाई खोलनी है, ये वाली जो सिलाई है साइड पहले वाली जो पुरानी सिलाई है ये दोनों तरफ से आपको ये सिलाई खोलनी है, ठीक है। और ये वाली और ये वाली दोनों मोरी में से, ये इस मोरी में से भी खोलनी है आपको ये वाली सिलाई और ये वाली सिलाई, और ये जो अभी लगाई अपनों ने ये रहेगी। फिर उसके बाद अपन इसकी कटिंग कर देंगे और चिरम कर देंगे इसको। दोस्तों ये मैंने सिलाई खोल दी है, ये देखिए आप, ये पुरानी सिलाई है ये वाली और ये नई सिलाई है। तो यहाँ से अपन इतना मार्जिन रखते हुए इसको कटिंग कर देंगे। इधर की साइड भी मैंने खोल दी है ये,
ये निशान लगा दिया, इतना अपन मार्जिन रखेंगे और बाकी कटिंग कर देंगे। उसके बाद अपन यहाँ कटिंग करने के बाद अपन वापस इसकी इंटरलॉक करेंगे, और इंटरलॉक करने के बाद अपन इसकी चिरम करेंगे, और चिरम करने के बाद मोरी फोल्ड कर देंगे, और फोल्ड करके फिर तुरपाई कर देंगे। ये इस तरह से मोरी 13 हो जाएगी। एक मिनट में कटिंग करके दिखा देता हूँ आपको। ये इस तरह से आप कटिंग कर दीजिए, इतना मार्जिन रखते हुए बराबर, और इसमें आप कटिंग के लिए निशान लगाएं नहीं लगाएं कोई फ़र्क नहीं है, आप अंदाज से जो है। ये मैंने खोला हुआ है, ये पहले खोलने का मतलब ये है कि इजी वे में खुल जाएगा, बाकी कहीं कटिंग के बराबर आ गया तो भी खुलता नहीं है, दिक्कत आती है। ये इस तरह से आप दोनों मोरी में कटिंग कर लीजिए। तो दोस्तों ये मैंने इंटरलॉक कर दी है, ये देखिए आप, ये दोनों तरफ मैंने इंटरलॉक कर दी। अब अपन इसकी चिरम कर देंगे। चिरम कर दिया दोस्तों, दोनों मोरी के अंदर मैंने चिरम कर दिए, और अब आप जो है यहाँ से मोरी वापस जमा दीजिए। और दोस्तों ये मैंने मोरी जमा दी प्रेस से, और अब आपको मैं इस मोरी को नाप के दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए, ये 13.5 है, 6.5 इंच हो गया, यानी कि 13 इंच जो है आपकी मोरी बन चुकी है। पहले 15 इंच, 16 इंच थी पहले, 16 की जगह 13 हो गई, और ये बिल्कुल एक जैसी हो गई, ये देखिए आप। तो ये क्रीज भी वैसी रहती है, अगर आप पूरा सही तरीके से निशान लगाते हो अंदर की तरफ, तो क्रीज भी वही रहेगी और मोरी भी कम हो जाएगी। ये 13 इंच मोरी हो गई है 16 की जगह। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।